कल जुमे का दिन उसकी बात पहले बयान कर दूं फिर आज की बात बाद में बयान करता हूँ आप अगर जनान में बब ज्यारात में आप अगर जाइए सर्च कीजिए तो मदीने मुनव्वरा की ज्यारत के चैप्टर में आपको एक मौजू मिलेगा जुमे के दिन रसूल खुदा और मासूमीन की ज्यारत मदीन मुनवरा की ज्यारत के चैप्टर मफाती जनान किताब जारत के अंदर ऐसा एड्रेस आपको बता रहा हूं कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी अकीबत सबके पास कहीं ना कहीं मफाती मिल जाती है मैं किसी और किताब की बात नहीं कर मफाती की बात करूसमें शेखी अलहर ने अपनी किताब मिसबह में उसका हवाला अब्बास ने दिया और सैद ताउस अल्हमा ने अपनी किताब जमाल उस्बू के अंदर ये लिखा कि जुमे के दिन मस्तहब है रसूल खुदा की और आईम मासूमीन की बजा लाना हालांकि जुमे का दिन इमाम जमाना के नाम से और उस दिन मखसूस मस्तहब है रसूल खुदा फिर रिवायत को लिखा इन दो मा से शेख अब्बास उम्मी ने किताबों के हवाले से कि इमाम जाफर सदिकात फरमाते है। फरमाते हैं इमाम कि जुमे के दिन अगर कोई रसूल खुदा जनाब सैदा अमीरमिन और आईम ताहरीन की जियारत करना चाहे है। और उनके शहरों में मौजूद ना हो तो उसे चाहिए कि जुमे के दिन गोसल करे वो तो हम और आप करते ही नॉर्मल उसलें जुमा गोसल करे और उसके बाद चार रकत नमाज बजा आए चार रकत नमाज जब मुस्तब नमाज की बात आएगी इसका मतलब दो है दो नमाजें दो दो रकत करके पढ़ी जाएंगी नमाज हदिया ज्यारत मासूमिन के उनवान से इमाम फरमाते जो सूरा चाहे पढ़ ले चार रकत नमाज पढ़ने के बाद या तो सहरा में चला जाए या बयाबान में जाए वरना अपने घर की छत में चला जाए और अगर ये तीनों मकाम मयसर न जहाँ जा सकता हो जहाँ रोज नमाज पढ़ता था वहां आ जाए अपने मसल्ले पर मसल जहां आ सकता हुआ जाए और आने के जारत तो 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 बाद ज्यादत पढ़े असलाम्क अय्यो नबी व बरकातहू पहला जुमला इसका अय्योहल मुरसल पहले ज़ुमले की बात फिर मुरसल की बात की फिर वसी की बात फिर फातमा जहरा की बात बाद में की खतीजा ताहिरा की बात पहले की है सलाम हो नबी पर सलाम हो वसी पर सलाम हो सैदा खतीजा पर सलाम हो सैदा फातमा जहरा पर सलाम हो हसन हुसैन पर लंबी जारत नहीं है मुश्किल से मैं समझता हूँ एक दो मिनट में भी आप पूरी आराम से पढ़ लेंगे का अगर आप चाहते हैं कि एक ही वक्त में मक्का मदीना नजफ करबला काजमैन तामर्रा और मशद ये सब जारतें कवर हो जाएं और तो कल का दिन जुमे का